So, good morning, students. I am Deval Verma, assistant professor in ABS IT College of Engineering. So, this is your lecture 26 of module 3, differential calculus 2. So, in this lecture, we will discuss Taylor and Maclaurin theorems of two variable. इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में टेलर एंड मैक्लॉरिन थ्योरम्स 1 वेरिएबल पर डिस्कस करी थी. इसमें हम टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज 2 वेरिएबल पर डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, लेट ए फंक्शन fxy डिफाइंड इन सम डोमेन D इन R स्क्वायर. क्योंकि ये xy प्लेन है तो यहां डायमेंशन आपकी ये आर स्क्वायर में चल रहा है. जब वन पॉइंट का लिया जाता है तो वो आर में होता है, जो वन डी में चल रहा था हमारा वन वेरिएबल का. अब ये टू वेरिएबल में चल रही है सारी बातें. फंक्शन आपका टू वेरिएबल में है तो वो सरफेस को रिप्रेजेंट करता है. मैंने बताया अभी आपको, अभी सरफेस का रोल आ जाएगा. अब यहाँ पे टू वेरिएबल में लेके चल रहे हैं हम, तो वो आर स्क्वायर में आ गया है. हैव कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स अप टू एन प्लस वनथ ऑर्डर इन सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए बी इन डी. तो जो आपका फंक्शन है एफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये क्या कर रहा है, इसके कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं अप टू एन प्लस वनथ ऑर्डर इन सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए बी इन डोमेन डी. देन फॉर सम पॉइंट ए प्लस एच एंड बी प्लस के इन दिस नेबरहुड, फिर किसी पॉइंट ए प्लस एच एंड बी प्लस के लिए, इसके नेबरहुड में ये कोई दूसरा पॉइंट है ए प्लस एच एंड बी प्लस के, इसके लिए जो टेलर्स ने एक्सपेंशन दिया वो इस टाइप का होता था, एफ ए प्लस एच बी प्लस के इक्वल्स टू एफ ए बी. क्योंकि यहाँ पे आपका पार्शियली दोनों के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकल रहा है, दो वेरिएबल आ गए हैं तो दोनों में आपका डेरिवेटिव बढ़ जाएगा. तो डेट इज एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ ए बी. किसका डेरिवेटिव निकल रहा है, एफ ए बी. ए बी का मतलब है पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर ए बी वो पॉइंट है, उन पॉइंट पर उस डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे. तो ये फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है. इसी तरह से वन अपॉन फैक्टोरियल टू, अब यहाँ डेरिवेटिव्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव आएगा. डेरिवेटिव का स्क्वायर का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव आएगा. एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल के वाई का होल स्क्वायर. तो जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो उसमें अभी आगे बताऊंगी कि क्या टर्म आएंगी इसका होल स्क्वायर खोल के, ऑफ एफ ए बी अप टू nth ऑर्डर तक जा रहा है. ये nth ऑर्डर तो वो है जहां तक वो पूछेगा एग्जाम में, दैट इज योर nth ऑर्डर. और लास्ट में इसमें जो रिमाइंडर टर्म आती है दैट इज आर एन, तो उसकी वैल्यू आपकी ये होती है एन प्लस वन फैक्टोरियल एच डेल वाई डेल एक्स प्लस के डेल वाई डेल वाई टू द पावर एन प्लस वन एफ ए प्लस थीटा एच एंड बी प्लस थीटा के, वेयर थीटा लाइज बिटवीन जीरो एंड वन. तो ये टेलर थ्योरम फॉर टू वेरिएबल थी. वन वेरिएबल में आपका क्या था कि खाली ए प्लस एच रहता था यहाँ पे, एफ ए प्लस एच. तो एफ ए प्लस एच डेल वाई डेल एक्स ऑफ एफ ए प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एच डेल वाई डेल डेल नहीं आएगा, तब आपका एफ डैश आ जाएगा, एच एफ डैश एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश, इस टाइप से आता था वन वेरिएबल में. यहाँ टू वेरिएबल में है तो डेल आ गया, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई. तो टू वेरिएबल में इस तरह से टेलर थ्योरम एक्सपेंड हो गई है. अब ये ए प्लस एच और बी प्लस के क्या है, आपका एक्स और वाई है, क्योंकि पॉइंट तो लिए जा रहे हैं x इक्वल्स टू ए प्लस एच एंड y इक्वल्स टू बी प्लस के, नेबरहुड में पॉइंट के अबाउट ही तो लिया जा रहा है एक्सपेंशन. बेसिकली है तो ये आपका फंक्शन ही एफ एक्स वाई. तो एफ एक्स वाई मेन जो फॉर्मूला जो बना इसका, तो वो ये इस फॉर्म में होता है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ए बी प्लस, अगर एक्स वाई ए प्लस ये एच और के को हम एक्स और वाई में वैल्यू डाल के रखें, एक्स और वाई के फॉर्म में इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने फंक्शन को, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ए बी प्लस एक्स माइनस ए एफ एक्स प्लस वाई माइनस बी एफ वाई. तो इस फॉर्म में हम एक्स वाई से अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो हमारी एक्सपेंशन आएगा खुल के वो इस फॉर्म में आएगा, एक्स माइनस ए एफ एक्स प्लस वाई माइनस बी एफ वाई प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू
एच की वैल्यू रख दी यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एफ एक्स वाई. एफ एक्स वाई का क्या मतलब है? डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, दैट इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई. ओके, जो पहले आएगा उसकी रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे. किसका? बाद वाले का, एफ वाई का. ओके, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर ऑफ एफ वाई वाई प्लस रिमाइंडर टर्म. तो ये अदर फॉर्म है यही फॉर्म. यहाँ पे एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया गया है, एच और के को सब जगह एक्स और वाई वैल्यू डाल दी गई है इसमें. तो ये था टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट टू वेरिएबल के रेस्पेक्ट में. इसमें और अगर ए बी आपको पॉइंट गिवन है कि ए बी के अबाउट निकालिए एक्सपेंशन, तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ए बी एक्स माइनस ए एफ एक्स वाई माइनस बी. इस ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, येलो जो लिखा है. और अगर आपको पॉइंट गिवन नहीं है, वो सीधा एक्सपेंशन के लिए बोल रहा है, तो आप ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो डाल देंगे. डेट इज कॉल्ड मैकलोरिन सीरीज. तो मैकलोरिन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैं आगे बता रही हूँ. पहले अभी इससे पहले इसी में ही अगर थर्ड ऑर्डर तक पूछता है, एक चीज और इसकी इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट ऑर्डर तक कहता है एक्सपेंड करने को, तो आप पहला पार्शियल डेरिवेटिव तक निकालेंगे. सेकंड ऑर्डर तक पूछता है तो ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तक निकालेंगे. अगर वो कह रहा है थर्ड डिग्री तक सॉल्व करो, तो थर्ड डिग्री के लिए आपको ये एफ ट्रिपल एक्स मतलब थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे आप. सिमिलरली एफ एक्स एक्स वाई निकालेंगे. तो इसका मतलब क्या है? एफ एक्स एक्स का यहाँ पे एफ एक्स एक्स का मतलब आपका क्या है? दैट इज एफ ऑफ एक्स एक्स वाई का मतलब आपका है डेल वाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स वाई. ठीक है, ये मतलब है. और एफ एक्स वाई वाई का मतलब क्या है? डेल बाई डेल एक्स ऑफ जो पहले आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में होगा ऑफ एफ वाई. दिस इज योर एफ वाई वाई. ओके, तो ये इसका मतलब है डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस. तो ये इसके मतलब है आपका. तो ये जो टर्म यहाँ पे यू आई है एफ एक्स एक्स डबल किस तरह आया है? थर्ड डिग्री तक मैंने ये फॉर्मूला बताया है एफ ए बी एक्स माइनस ए एफ एक्स वाई माइनस बी एफ वाई प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस टू एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एफ एक्स वाई प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ वाई वाई. ठीक है, ये तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की टर्म हो गई. इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो आपका ये पार्शियल डेरिवेटिव आप अलग से निकाल लेंगे और अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे. अगर थर्ड डिग्री तक पूछ रहा है तो एफ ट्रिपल एक्स तक सॉल्व करोगे, तब एक्स ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलते हो ना, उस तरह से इसका डेरिवेटिव खोलोगे ए क्यूब. तो ए क्यूब के साथ आपका क्या आएगा? एक्स माइनस ए का होल क्यूब और एफ के साथ तीन एक्स, यानी थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऐसे लगेगा. प्लस थ्री ए स्क्वायर बी होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थ्री एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी. और जितने एक्स हैं उतना उतने ऑर्डर का यहाँ पे डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव आएगा. दो बार एक्स है एक बार वाई है, तो सिमिलरली एफ एक्स एक्स वाई आ जाएगा. ऐसे ही थ्री एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर है, तो एफ एक्स वाई वाई आ जाएगा. प्लस वाई माइनस बी का होल क्यूब, तो ये एफ ट्रिपल वाई आ जाएगा. देन लास्ट में रिमाइंडर टर्म आएगी, वही जो चल रही है. इसका यूज हम एरर अप्रोक्सीमेशन में करते हैं, ये बाद में बताऊंगी इसका क्या है. अभी तो टेलर एक्सपेंशन ही इसमें हो रहा है. अब इसका डिडक्शन है, जैसे मैंने पीछे बताया पॉइंट गिवन नहीं है, तब आप ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो लेके चलोगे और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ जीरो जीरो एक्स एफ एक्स क्या है ये जीरो जीरो पे इनकी वैल्यू निकालोगे सारी सबकी, इसका मतलब जीरो जीरो पे है. तो ये आपका मैकलोरिन सीरीज है. अब इसमें आगे अब ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल कर लेते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है एक्सपेंड ई की पावर एक्स साइन वाई इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई एज फार एज
टर्म ऑफ थर्ड डिग्री। अब ये थर्ड डिग्री तक पूछ रहा है इसको एक्सपेंड करने के लिए, है ना। तो हमें पॉइंट नहीं गिवन है, इसमें पॉइंट गिवन नहीं है किसके अबाउट एक्सपेंशन पूछ रहा है, तो हम जीरो जीरो लेके चलेंगे। और थर्ड डिग्री तक लेके, हमें थर्ड डिग्री तक का फॉर्मूला यूज करना है, टेलर थ्योरम का थर्ड डिग्री का एक्सपेंशन इसमें लगाना है। तो गिवन है, ऐसा नहीं है कि वो थर्ड डिग्री पे खत्म हो जाएगा एक्सपेंशन, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमें थर्ड डिग्री तक सॉल्व करके दिखाना है उसको। तो गिवन एफ एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन वाई है हमारा ये फंक्शन, एक्स वाई का फंक्शन है, देखिए ई की पावर एक्स साइन वाई। पॉइंट गिवन नहीं है यहाँ पे, ए इक्व टू जीरो बी इक्व टू जीरो ले लेंगे। अब मैकलोरिन सीरीज अप्लाई हो जाएगी, जब ए इक्व टू जीरो बी इक्व टू जीरो लेते हैं तब ये मैकलोरिन का ही केस था जिसने ये सीरीज दी थी। तो एफ एक्स वाई इक्व टू एफ जीरो जीरो प्लस एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई जीरो जीरो फॉर्मूला लगा रहे हैं पहले, तो प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एफ का पार्शियल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव लिया जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली टू एक्स वाई डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, वाई स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई वाई एट जीरो जीरो पॉइंट पे ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। सिमिलरली वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर वाई, हेयर ऑल्सो ट्रिपल डेरिवेटिव लिखा है एफ का, एक्स एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई वाई प्लस वाई क्यूब एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये सारी वैल्यू जीरो जीरो पर कैलकुलेट करके इस थ्योरम में आप इंसर्ट कर देंगे तब आपकी मैकलोरिन सीरीज बन के आ जाएगी। चलिए वैल्यू निकालते हैं वन बाई वन। सबसे पहले एफ एक्स वाई गिवन है, ये सारी वैल्यू सेपरेट अलग से निकाल ली हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है कि इसी में रख लो, ये वैल्यू अलग तरीके से सुंदर तरीके से आप निकालोगे तो इसका हर वैल्यू का नंबर मिलता है। तो एफ एक्स वाई इक्व टू ई की पावर एक्स साइन वाई निकाला, जीरो जीरो पॉइंट इसमें रखा, बहुत ही आराम से ई की पावर जीरो साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ गई, पहली टर्म हमारी आ गई निकल के एफ जीरो जीरो। दूसरी टर्म निकालो, एफ एक्स क्या है, डेल एफ वाई डेल एक्स है, तो डेल एफ वाई डेल एक्स का क्या मतलब है, पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है हमारे एफ एक्स वाई को, यानी ई की पावर एक्स साइन वाई को। फिर ये वैल्यू हमारी आ गई है ई की पावर एक्स साइन वाई, ये आ जाएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव। फिर यहाँ पे जीरो जीरो रखा आपने, यानी एक्स को जीरो और वाई को जीरो रखा, तो मेरी वैल्यू जीरो आ गई। ऐसे ही एफ वाई की वैल्यू निकाल ली तो मेरी यहाँ पे वन आ गई। आगे देखिए, सारे डेरिवेटिव जितने इसमें लगे हैं सबकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल के रख ली है अलग से, इसको इसी तरह से करना है आपको, सारी वैल्यू इस तरह से निकाल लेनी है और पॉइंट पर निकाल के पॉइंट वैल्यू रख लेनी है सारी। तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू जीरो जीरो पॉइंट पे जीरो आ गई, एफ वाई वाई की वैल्यू डेल वाई मैं सीधे एफ वाई रिजल्ट यूज करूंगी पीछे जो मेरा आ गया है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं रखनी है, फंक्शन वाली वैल्यू रखनी है जो फंक्शन वाली है। तो एफ वाई जो मेरा फंक्शन आया है एक्स वाई की टर्म्स में वो वाली वैल्यू रखनी है, तो ये ई की पावर एक्स साइन वाई आ गया। फिर पॉइंट बाद में रखना है इसमें एफ जीरो जीरो, तो ये आ गया जीरो। सिमिलरली एफ एक्स वाई का क्या मतलब है, यहाँ पे एफ एक्स वाई का आपका ये यहाँ पे ये दिस इज एफ एक्स ऑफ एफ वाई रखेंगे तो आपकी वैल्यू आपकी आ गई है डेल वाई डेल एक्स ऑफ ई की पावर एक्स साइन वाई। सो हेयर देर इज अ करेक्शन, दैट इज डेल एफ एक्स वाई इक्वल्स टू डेल वाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई, सो डेल वाई डेल एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कॉस वाई, ई की पावर एक्स कॉस वाई। ओके, जो एफ वाई की वैल्यू हमारी क्या है, ई की पावर एक्स कॉस वाई, देन ई की पावर एक्स कॉस वाई एफ एक्स वाई जीरो जीरो पर आपकी वैल्यू आ गई ई की पावर जीरो कॉस जीरो इज वन। सिमिलरली ट्रिपल एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है ई की पावर एक्स साइन वाई, ई की पावर एक्स साइन वाई इज जीरो। ट्रिपल वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे, तो माइनस वन आ गई है।
डबल एक्स वाई मीन्स एफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स वाई, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कॉस वाई, एक्स वाई एफ एक्स वाई की वैल्यू हमारी क्या आई है ऊपर से ई की पावर एक्स कॉस वाई, तो ई की पावर एक्स कॉस वाई डिफ्रेंशिएट हमने किया, देन माइनस ई की पावर एक्स। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स वाई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई इज ई की पावर एक्स कॉस वाई इट इज वन, एफ एक्स एक्स एफ वाई 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 इज माइनस वन, एफ एक्स एक्स वाई ई की पावर एक्स कॉस वाई, ई की पावर एक्स कॉस वाई दिस इज ई की पावर जीरो कॉस जीरो इज वन, एफ एक्स वाई वाई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई वाई हेयर दिस वैल्यूज, दिस इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई वाई की वैल्यू मेरी क्या आई है ऊपर माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, सो माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा साइन वाई, एट जीरो जीरो इट इज ई की पावर जीरो साइन जीरो इट इज जीरो। ये सारी वैल्यूज मैंने अपनी मैकलोरिन सीरीज जो मेरी क्वेश्चन वन जिसे मैंने नाम दिया उसमें सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, तो एफ जीरो जीरो इन सब वैल्यूज को रखने के बाद एफ एक्स वाई मेरा ये सॉल्व होके आ गया, डेट इज वाई प्लस एक्स वाई प्लस हाफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन सिक्स। ओके दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब आगे चलते हैं, अब इसी का ही एक क्वेश्चन है आप लोग कीजिएगा, एक्सपेंड ई की पावर एक्स लॉग वन प्लस वाई इन टेलर सीरीज अराउंड ओरिजिन इन टर्म्स ऑफ सेकेंड डिग्री, तो ये सेकेंड डिग्री तक सॉल्व करना है। अब ये दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है, यहाँ पर पॉइंट गिविन है, पॉइंट टू थ्री यहाँ गिविन है, एक्सपेंड एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस टू एंड वाई माइनस थ्री। तो एफ एक्स वाई का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पॉइंट के अबाउट कौन सा वाला लगाया जाएगा, तो टेलर से एक्सपेंशन हम यूज करेंगे जो टू वेरिएबल का हमने पॉइंट के अबाउट लिया है, मेन फॉर्मूला जो है हमारा दैट इज एफ ऑफ ए बी प्लस एक्स माइनस ए था तो एक्स माइनस टू एफ एक्स प्लस वाई माइनस थ्री एफ वाई एट टू थ्री। जो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकाला गया है एफ का और ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई निकाला गया है एफ का, ये टू थ्री पॉइंट पर क्या वैल्यू आएगी वो रखी गई है यहाँ पे, और वाई माइनस थ्री और एक्स माइनस टू से तो मल्टीप्लाई करा जाएगा बाद में जब हम ये वैल्यू रखेंगे इसमें सारी। इसी तरीके से एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई सॉरी एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एट टू थ्री पॉइंट पर ये सारी वैल्यूज हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखिए एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो टू थ्री पर एक्स की जगह टू रख दिया मैंने वाई की जगह थ्री रख दिया तो मेरी वैल्यू नाइनटीन आ गई। इसी तरीके से एफ एक्स क्या है मेरा डेल एफ वाई डेल एक्स, तो डेट इज टू ये मेरा डेल एफ वाई डेल एक्स यहाँ से क्या आ गया टू एक्स प्लस वाई, टू थ्री पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आ गई सेवन। सिमिलरली वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ गया मेरा टू एक्स प्लस टू वाई, तो ये टू थ्री पे इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी एट। फिर अब एफ एक्स एक्स निकालेंगे डेट इज डेल एफ वाई डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स, तो जो मेरा एफ एक्स है ये टू एक्स प्लस वाई इसका दोबारा से एक्स की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ गया टू आ गया, तो टू थ्री पॉइंट पे मेरी वैल्यू आ गई टू। अब यहाँ पे इसी तरीके से एफ एक्स वाई निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई, ओके दिस इज डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ वाई, एफ वाई क्या है मेरा एक्स प्लस टू वाई, तो ये मेरा आ गया टू एट एफ वाई टू थ्री पर भी वैल्यू मेरी टू ही आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज मैंने अपनी इस इक्वेशन को मैंने जो वन नाम दिया है जब इसमें पुट करूंगी मैं सारी वैल्यूज तो मेरी फाइनली जो वैल्यू बन के आएगी वो देख लीजिए क्या आएगी, डेट इज एफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या था मेरा एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ
टू थ्री प्लस एक्स माइनस टू एफ एक्स प्लस वाई माइनस थ्री एफ वाई एट टू थ्री पॉइंट पे निकाली है वैल्यू. सिमिलरली वन अपॉन फैक्टोरियल टू, दिस इज एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर एफ ऑफ वाई वाई प्लस टू एक्स माइनस टू एंड वाई माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स वाई एट टू थ्री. ये सारी वैल्यू टू थ्री पे निकालनी है प्लस एंड सो ऑन. जब अपना फंक्शन में आप पीछे से सारी वैल्यूज इसमें रख दीजिए. एफ टू थ्री की वैल्यू मेरी क्या आई थी लास्ट स्लाइड पे देखिए, टू थ्री पे मेरी वैल्यू क्या है, 19 है. ठीक है, तो ये मेरा 19 आ गया. दिस इज 19 प्लस ये x माइनस टू एज इट इज रहेगा. एफ एक्स की वैल्यू टू थ्री पॉइंट पे मेरी कितनी आई है, दैट इज 7 प्लस y माइनस थ्री. एफ वाई की वैल्यू टू थ्री पॉइंट पे कितनी आई है, 8 आई है प्लस 1/2. इसी तरह से x माइनस टू का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू कितनी आई है मेरी, 2 आई है. y माइनस थ्री का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई वाई कितना आया है मेरा, दैट इज अगेन 2. इसी तरीके से एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ एक्स वाई की वैल्यू रह गई थी पीछे निकालनी ना, तो ये मैं यहाँ निकाल लेती हूँ. एफ एक्स वाई डेल वाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई, और एफ वाई मेरा कितना था, डेल वाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 2. तो पॉइंट पे भी यही आएगी, ये वैल्यू पॉइंट पे भी यही आएगी आपकी, एट एफ एक्स वाई एट टू थ्री पॉइंट पे भी 2 ही आएगी. तो ये वैल्यू भी मेरी 2 ही आई. पीछे देख लेते हैं एफ वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारी. डेल वाई एफ वाई की वैल्यू मेरी एक्स प्लस टू वाई आ रही है, एक्स प्लस टू वाई. तो 1 मिनट, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई है यहाँ पे. यस, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई. एफ वाई मैंने पीछे से देखा मेरा क्या है, एक्स प्लस टू वाई था, तो मैंने यहाँ पे जब रखा एक्स की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला जा रहा है पार्शियल, ये ध्यान रखिएगा. अभी मुझसे मैंने वाई की रेस्पेक्ट में रख दिया था यहाँ पे, तो ये मिस्टेक हो सकती है. जनरली हम भूल जाते हैं इतनी सारी डेरिवेटिव में कि किसकी रेस्पेक्ट में करना है, तो यही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि किसकी रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाला जा रहा है. तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस टू वाई क्या आएगा मेरा, एक्स की रेस्पेक्ट में डेट इज 1. इजी है लेकिन गलती होने के चांसेस इसमें रहते हैं, तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए आपको. तो एफ एक्स वाई एट टू थ्री पर वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई. अब मैंने यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 अपनी यहाँ एफ एक्स वाई की वैल्यू मैंने 1 रख ली टू थ्री पॉइंट पे, डेट इज 1. तो मेरा क्या आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इंटू 1. आफ्टर सॉल्विंग जब मैंने इसको करा, आफ्टर सॉल्विंग मेरा जो एफ एक्स वाई आ गया फाइनली, डेट इज 19 प्लस 7 एक्स माइनस टू प्लस 8y माइनस 3 प्लस 1/2. दिस 2 इज कैंसिल हेयर फ्रॉम होल ओवर द टर्म. देन यहाँ मेरा आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एंड y माइनस 3. तो दिस इज माय आंसर. ओके, दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर.
फाइनली ये मेरा आंसर आ गया है। तो इस तरह से हम पॉइंट के अबाउट अपना टेलर्स का टू वेरिएबल का एक्सपेंशन करेंगे। एक प्रॉब्लम इसमें और ले लेते हैं। एक्सपेंड टेन इनवर्स एग्जाम्पल टू है, एक्सपेंड टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स वाई इन द नेबरहुड ऑफ, ये प्रॉब्लम है हमारी, एक्सपेंड टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इन द नेबरहुड ऑफ वन वन अप टू एंड इंक्लूसिव सेकंड ऑर्डर टर्म्स, हेंस कंप्यूट एट 1.1 एंड 0.9 अप्रॉक्सीमेटली। इस पॉइंट पर मैं इसकी वैल्यू कंप्यूट करने को कह रहा है, मींस लास्ट में एक्स और वाई आ रहे हैं ना हमारे फंक्शन में एक्सपेंड होके, तो उसमें एक्स इक्वल टू 1.1 और वाई इक्वल टू 0.9 पे भी वो कंप्यूट करने को कह रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पॉइंट गिवन है तो हम पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन लगाएंगे यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले अपनी थ्योरम लिख देते हैं, कौन सी यूज करनी है। एक्स टेलर्स थ्योरम यूज करनी है एट 1 1 पे। तो 1 1 1 पॉइंट दिया है, प्लस एक्स माइनस 1 एफ एक्स प्लस वाई माइनस 1 एफ वाई, ठीक है। पॉइंट हमारा इनकी वैल्यू 1 1 पे निकाल के रखनी है, सेकंड टर्म तक बोल रहा है। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 एंड एफ ऑफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव एट 1 1 पे। ये सारी वैल्यूज निकालनी है आपको, ठीक है। ये वैल्यूज आपको निकालनी है। तो इसमें निकालिए, सबसे पहले एफ एक्स वाई हमें गिवन है, एफ एक्स वाई इज टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो एफ एट 1 1 पे क्या आ गई मेरी वैल्यू, टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 यानी पाई बाई 4 आ गई, दिस इज पाई बाई 4। सिमिलरली एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स क्या होगा मेरा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी आएगा साथ में। तो ये वैल्यू मेरी कैलकुलेटर पे आ जाएगी, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो अब हमें पॉइंट पे चाहिए, एफ एक्स एट 1 1 पे मेरी वैल्यू क्या आ गई है, डेट इज माइनस का हाफ आ गई है। सिमिलरली एफ वाई निकालेंगे यहाँ से, एफ वाई की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, दिस इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एफ वाई एट 1 1 पर वैल्यू आपकी क्या आएगी, इट इज 1/2। नाउ एफ ऑफ एक्स एक्स कंप्यूट करेंगे तो आ गई 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरी फाइनली वैल्यू आ गई इसकी। अब f ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू 1 1 पे निकाल लीजिए क्या आएगी, f ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू 1 1 पे आपकी आ गई, इट इज हाफ। सिमिलरली f ऑफ वाई वाई इट इज माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, देन एफ ऑफ वाई वाई की वैल्यू 1 1 पर मेरी आ गई है माइनस का हाफ। इसके बाद एक टर्म और रह गई है, डेट इज एफ ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी,
डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई, एफ वाई क्या है मेरा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, इट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल से निकाल दी वैल्यू। एफ एक्स वाई एट वन वन पे क्या आ गई, वन वन जब डाला तो जीरो आ गई, ठीक है, ये वैल्यू मेरी जीरो आ गई। अब ये सारी वैल्यू मैं अपनी ये इक्वेशन का मैंने नाम दे दिया थ्योरम का वन, वन में डालूंगी। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन वन वी गेट एफ एक्स वाई इक्वल्स टू, जब आपने इसमें डाला तो दैट इज पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस वन इंटू माइनस का हाफ, पीछे मेरी एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है दैट इज माइनस हाफ प्लस वाई माइनस वन इंटू प्लस हाफ प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, और ये आ गया आपका हाफ प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ये मेरा आ गया माइनस का हाफ प्लस एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन। यहाँ से मेरा आपका क्या आ गया, वन बाई टू मैं अंदर ही लेके चल रही हूँ सबके साथ, तो टू से टू कैंसिल हो गया जाएगा आपका और ये जीरो हो गया। तो मेरी फाइनली वैल्यू आ गई पाई बाई फोर माइनस हाफ एक्स माइनस वन प्लस हाफ वाई माइनस वन प्लस वन बाई फोर, ये क्या आ गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन बाई टू, वन बाई फोर हो गया अगेन, माइनस का वन बाई फोर हो गया एंड दिस इज वाई माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया एंड सो ऑन। तो ये हमारी टर्म्स हमारी आ गई हैं। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ये किसके इक्वल चल रहा है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स था मेरा फंक्शन एफ एक्स वाई। नाउ अब वो क्या कह रहा है, कंप्यूट करने को कह रहा है एफ ऑफ 1.1 और 0.9, जब भी इस तरह से लास्ट में पूछेगा देन पुट, इसका नाम दे दीजिए टू, एक्स इक्वल्स टू 1.1 एंड वाई इक्वल्स टू 0.9 इन टू। सो दिस इम्प्लाइज टेन, इसके लिए तो फंक्शन चल ही रहा है आपका एफ एक्स वाई, तो निकाला ही जा रहा है उस पॉइंट पे, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मेरा फाइनली जो आ गई वैल्यू डेट इज एफ 1.1 एंड 0.9 पे मेरी वैल्यू आ गई है डेट इज पाई बाई फोर माइनस हाफ 1.1 माइनस वन प्लस हाफ 0.1 माइनस वन। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू सॉल्व करने के काम आता है पॉलिनोमियल की, है ना, टेलर्स एक्सपेंशन जो होता है। तो हम यहाँ से इस के एक्सपेंशन की, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्सपेंशन की, हम इस पॉइंट के अबाउट वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, कितनी आएगी। प्लस वन बाई फोर एंड 1.1 माइनस वन का होल स्क्वायर
प्लस 1/4 दिस इज प्लस 1/4 1.1 माइनस 1 दिस इज माइनस 1/4 एंड 0.9 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस एंड सो ऑन, क्योंकि अभी तो चल ही रही है वैल्यू आगे आपकी सी. ओके लेकिन उसने पूछा सेकंड डिग्री तक था तो हम वहीं तक ही करेंगे. तो ये वैल्यू मेरी जब आपने सॉल्व करी तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपकी सॉल्व होके आ गई 0.6857 अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, दिस इज द आंसर. तो इस एक फॉर्म ये भी आती है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. दिस इज योर रिक्वायर्ड.